हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप में से रिलेटेड पूछते रहते हैं कि सर आगे क्या प्लान करना है। अब कॉलेज तो रीओपन नहीं हो रहे हैं, तो मुझे आगे क्या प्लान करना चाहिए, मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, मुझे MBA करनी चाहिए, मुझे टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए, मुझे मास्टर्स करनी चाहिए, या फिर मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि भाई कॉलेजेस बंद हैं और दिल्ली के अंदर कोविड इतनी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे लगता नहीं कि जल्द ही कॉलेज आपके खुलने वाले हैं। सो, इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपसे बात करना चाहूँगा बेसिकली कॉलेजेस के बारे में। देखो गाइस, कॉलेजेस के बारे में अगर मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो कॉलेजेस खुलने में अभी बहुत टाइम है। अब क्या पता वो कब खुले, अभी कोविड सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए बात करना अभी पॉसिबल नहीं है, या फिर उसके बारे में बात करना भी बेकार है। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, आपको अपने करियर के लिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका बेसिकली इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। यार, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इट मीन्स आप चाहे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो कैट का एग्ज़ाम हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है जो कि मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। हर चीज़ के ऊपर मैंने कंपैरिजन किया है कि बीएड करें या मास्टर्स करें, एमबीए करें या मास्टर्स करें, और उसके बाद ये वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बताया हुआ है कि आप क्लास 12th के बाद कौन कौन सी जॉब्स आपके पास होती है। उसके बाद मैंने ये वीडियो बना रखी है कि आपके लिए क्लास 10th के बाद कौन कौन सी जॉब्स होती है, जिसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यार हाल ही फिलहाल में आपके कॉलेजेस बंद हैं, तो यार आपको कहीं ना कहीं तो टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आगे जाके आपके पास टाइम सेव होगा। सो 1, 2, 3, 4, ये चारों वीडियो मैंने बना रखी है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, वाकई में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। इन चारों वीडियो का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे देता हूँ, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। आई बटन से देखना है तो आई बटन पे भी देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे सब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सो आप आई बटन भी दे सकते हैं। तो ये चारों वीडियो देखने के बाद गाइस देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी क्वेरी दूर हो जाएगी कि यार MBA का प्लान करना चाहिए, आप मुझे BEd का प्लान करना चाहिए, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, या फिर मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले आपको एक टारगेट चूज़ करना पड़ेगा, देन आपको उस पर चलना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो होगा टारगेट चूज़ करने का। टारगेट आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपने जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी आप फ्यूचर अपना देखना चाहते हो, जिसके अंदर कि भाई हाँ मुझे इस चीज़ में सेट होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करना। यार देखो, जल्दबाजी मत करना, फ्रेंड के साथ मत चलना, अपनी स्किल्स को खुद पहचानना, रात में बैठना और आराम से लेटे लेटे सोचना कि भाई मुझे करना क्या है, आगे मेरे को क्या करना चाहिए। अपना एक हाथ में या फिर आप नोट्स भी ले सकते हो, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ले लेना, क्योंकि यार देखो एक छोटा सा डिसीज़न ना आपकी लाइफ को यूँ कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। कि इससे गाइडेंस लेनी है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट कर सकते हो कि सर मेरा ये प्लान है, सो ये मेरे लिए ठीक रहेगा, सो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अगर मेरे पास जो जेन्युइन कमेंट आते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी यार आपको पूछना है तो डेफिनेटली यार मैं आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ के अंदर। तो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछना, यार ये भी करना है वो भी करना है, इसमें से चॉइस क्या करूँ। तो चॉइस के लिए तो पहले आपको ये चारों वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ये चारों वीडियो देख लेना, और उसके बाद आपके मन में कुछ डाउट आता है तो मुझसे आके आप इंस्टाग्राम पे पूछना या फिर आप कमेंट करना। सो ये वीडियो थी आपके लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, यार लाइफ में तो कुछ रहा नहीं, जो 2020 वाले जो एडमिशन्स हुए हैं वो भी बेचारे अभी तक घर पे बैठे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ एक सर्कल के अंदर ही घूम रही है यार, सुबह से शाम तक बस घर में रहना या फिर फ्रेंड से मिलना। तो लाइफ के लिए सोचना शुरू कर दो, अब टाइम बहुत कम है आप सभी के लिए, फाइनल ईयर के अंदर चले जाओगे अब नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो बस इतना ही आपसे कहूँगा। ये वीडियो देख लो और कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ट्विटर पे फॉलो कर लो यार, जल्दी से जाके फॉलो करो ट्विटर पे ताकि हम भी ट्विटर वाले बन जाएं। सो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली यार एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, ताकि YouTube भी खुश हो जाए एल्गोरिदम के साथ। और कमेंट कर देना, अच्छी अच्छी कमेंट्स करना कि हाँ आपको कैसी लगी वीडियो, अपने डाउट्स भी कमेंट कर सकते हैं आप। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अच्छी वीडियोज़ के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।